हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में टेक्निकल टाइगर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। आज हम बात करने वाले एक न्यू एप्लीकेशन के बारे में जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है हमेशा की तरह। इस एप्लीकेशन का नाम है इंस्टाग्राम। आज मैं आपको इंस्टाग्राम के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोग इंस्टाग्राम तो यूज़ करते होगे और आप लोग इंस्टाग्राम पर अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भी भेजते होगे और आपके फ्रेंड्स भी आपको रिक्वेस्ट भेजते होंगे। फ्रेंड्स क्या मतलब, रिक्वेस्ट तो कोई भी भेज सकता है, आप भी भेज दो, उधर से भी आती हैं। तो आप लोगों ने किस किस को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रखी है ये बात आपको पता है? अगर आप लोगों को नहीं पता तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर किस किस को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रखी है और आप लोगों को पता भी नहीं है। अगर आप लोग वो रिक्वेस्ट देखना चाहते हो तो मैं वीडियो के अंदर बता दूंगा ये आपको कैसे देखनी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने किस किस को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रखी है, इंस्टाग्राम पर कैसे चेक करें, तो वीडियो के अंदर सब कुछ बता दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेजते होगे, लेकिन आप लोग बताएं आपने अभी तक किस किस को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रखी है और आप लोगों ने वो चेक भी नहीं करी है। आपको पता है पहले इंस्टाग्राम के अंदर एक ऑप्शन आता था फ्रेंड रिक्वेस्ट चेक करने का कि आपने किस किस को भेजी है, बट इंस्टाग्राम ने वो हटा दिया। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे चेक कर सकते हो जो आपकी पेंडिंग में अभी तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं करी है और आप लोगों को भी पता नहीं आपने किस किस को भेज रखी थी। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ से इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपको आ जाना है अपनी प्रोफाइल पे। अपनी प्रोफाइल पे आने के बाद आपको आना है थ्री डॉट पे। थ्री डॉट पे आने के बाद आपको आना है यूआर एक्टिविटी में। यूआर एक्टिविटी में आने के बाद आपको नीचे स्वीप अप करना है इस तरीके से। यहाँ पे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड यूअर इन्फॉर्मेशन, तो आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करोगे, इस पर टैप करने का यहाँ पर लिखा है गेट अ कॉपी ऑफ व्हाट यू वी शेयर ऑन इंस्टाग्राम। तो आपको यहाँ पर अपनी जीमेल डाल देनी है। मैंने यहाँ पर डाल दी है। अब यहाँ पर करता हूँ मैं रिक्वेस्ट डाउनलोड। रिक्वेस्ट डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इंस्टाग्राम आपसे पासवर्ड मांगे, तो आपको अपना इंस्टाग्राम पासवर्ड यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर ये भी डाल देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। डालने के बाद अब यहाँ पर आपको करना है राइट। राइट करने के बाद यहाँ पर लिखा है डाउनलोड रिक्वेस्ट, वी स्टार्टेड क्रिएटिंग आ फाइल ऑफ थिंग्स यू वी शेयर ऑन इंस्टाग्राम एंड विल ईमेल आ लिंक टू yadav1z9876@gmail.com। इट मे टेक अप टू 13 days। अब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आएगी आपकी जीमेल पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर डन करता हूँ। डन करने के बाद मैं अपने फ़ोन के अंदर अपनी जीमेल ओपन कर लेता हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये मैं यहाँ से अपनी जीमेल ओपन करता हूँ। ये मैंने ओपन के लिए ओपन करने का, यहाँ पे आपको पहले नोटिफिकेशन दिख जाएगी इंस्टाग्राम की। यहाँ पे लिखा है यूर इंस्टाग्राम इन्फॉर्मेशन, तो मैं इस पर टैप करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मेल आ गया है। अब आप लोग यहाँ पे इसको रीड कर सकते हो। मैं लिखा रहा है हेयर इज़ द फाइल रिक्वेस्ट विद द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर अकाउंट। तो यहाँ से लिखा आ रहा है, आपको इसे रीड कर लेना। रीड करने के बाद मैं आपको एक बात और बता दूँ, आप इसे 4 दिन तक यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं करता हूँ डाउनलोड इन्फॉर्मेशन। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पे इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप इसे कहीं भी डाउनलोड कर सकते हो, क्रोम में, स्नैपट्यूब में, इंस्टाग्राम में। तो यहाँ पे सिंपल सा है, आपको क्रोम में करना है। मैं क्रोम में कर लेता हूँ। ये एक फ़ाइल है, काफ़ी बड़ी फाइल होती है, तो आप भी इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर मैं अपना इंस्टाग्राम लॉगिन कर लेता हूँ। पहले हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये जो ओपन हो रहा है ये ओपन हो चुका है। यहाँ से मैं अपना इंस्टाग्राम लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा आएगा डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये अभी ओपन हो रहा है। यहाँ पे लिखा रहा है दे आर नो फाइल्स अवेलेबल फॉर। अब यहाँ पर लिखा रहा है रिक्वेस्ट डाउनलोड। रिक्वेस्ट डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर लिखा रहा है यू कैन रिक्वेस्ट अनदर डाउनलोड। अब मेरी जो फाइल है वो डाउनलोड यहाँ पर होना चालू हो जाएगी। आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ मैं डाउनलोड में, और यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं एक मिनट। वापस मैं अपनी ईमेल पे आ गया हूँ, और जो मेरी फ़ाइल है वो क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड हो चुकी है, वो फाइल मैनेजर में आ चुकी है। तो मैं यहाँ से बैक करता हूँ। बैक करने के बाद मैं फ़ाइल मैनेजर अपने फ़ोन के अंदर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं आता हूँ डाउनलोड पर। डाउनलोड पर आने के बाद इसको मैंने जो एक्सपोर्ट कर दिया दूसरी फाइल में, मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पे मैं आता हूँ फ़ोन स्टोरेज में। फ़ोन स्टोरेज में आने के बाद मैंने फ़ाइल कहाँ डाली थी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही फर्स्ट नंबर पे, सॉरी बैक करता हूँ। ये मैंने फाइल मैनेजर ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं आता हूँ फ़ोन स्टोरेज में। फ़ोन स्टोरेज में आने के बाद यहाँ पे आना है डाउनलोड में, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड में फ़ाइल मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आ गया हूँ डाउनलोड में। डाउनलोड में आने के बाद आप लोग फर्स्ट वाली फ़ाइल देख सकते हो, यहाँ पे लिखा रहा है 10009 5680। तो मैं इस पर टैप करता हूँ। इस पर टैप करने के बाद अब हमें चेक ये करना है कि हमने किस किस को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रखी है और जो अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एक ऑप्शन आ रहा है फाइल्स और दूसरा आ रहा है फॉलोवर्स एंड फॉलोइंग। तो आपको फॉलोवर्स एंड फॉलोइंग पर टैप करना है। टैप कर दिया। टैप करने के बाद यहाँ पे सब कुछ आ जाएंगे, ब्लॉक अकाउंट्स, क्लोज फ्रेंड्स, फॉलोवर्स, फॉलोइंग, हैशटैग, फॉलोइंग HTML, हाइड स्टोरी, पेंडिंग फॉलो रिक्वेस्ट। तो आपको चेक करनी है किस किस को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। तो हमें चेक करनी है पेंडिंग फॉलो रिक्वेस्ट, अभी तक जो एक्सेप्ट नहीं हुई है और हमने कब कब भेजी थी किस किस को। तो मैं पेंडिंग फॉलो रिक्वेस्ट पर टैप करता हूँ। इस तरीके से ये क्रोम में खुलेगी, आप लोग ये ध्यान रखना आपको क्रोम में ही खोलनी है। तो मैं क्रोम पर टैप करता हूँ। क्रोम पर टैप करने के बाद हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, यहाँ पर जो है ये ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों ये लोग आप लोग देख सकते हो मैंने किस किस को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और कब कब भेजी थी, आप लोग ये भी देख लो। यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई हैं, टाइम, डेट, ईयर वगैरह, यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ये देख लो, लास्ट रिक्वेस्ट मैंने भेजी थी 2021 में जून 18 5:06 पे, राव काजल। पता नहीं मैंने किस किस को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रखी थी। तो कोई नहीं, आप लोग इस तरीके से पता लगा सकते हो कि आपने किस किस को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। अब इंस्टाग्राम के अंदर पहले वाला ऑप्शन नहीं रहा कि आप लोग उसके अंदर जाके उसको देख सकते हो, लेकिन अब ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोग देख सकते हो बहुत ही आसानी से किस किस को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रखी है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाता रहूँगा।